हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि होनर कंपनी ने 3 साल के बाद इंडियन मार्केट में कमबैक करते हुए अपने नए स्मार्टफोन होनर 90 को लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों मार्केट में स्मार्टफोन की सीधी टक्कर नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन से होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन के साथ। दोस्तों अगर बात की जाए नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सेंटर पंचोल कटआउट वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है और इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन का बैक साइड का हिस्सा आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग अलर्ट एलईडी लाइट्स भी देखने को मिलती है, जो कि स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन को काफी अट्रैक्टिव बनाती है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए होनर 90 स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में भी आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरा का डिजाइन अलग टाइप का है और इसके अंदर आपको सेंटर पंचोल कटआउट वाली कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों लुक और डिजाइन के मामले में अगर नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बैक की एलईडी लाइट्स को हटा दिया जाए, तो दोस्तों बाकी स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन 10 से 12 हजार रुपए में मिलने वाले स्मार्टफोन के जैसा ही है। लेकिन दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और स्मार्टफोन के अंदर आपको 3 अलग अलग कलर वेरियंट भी देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन का डायमंड सिल्वर कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। बाकी दोस्तों अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर के बारे में बात करें, तो दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.7 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आती है और इसके अंदर आपको 1600 नीट्स पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 6.7 इंच की फुल HD कर्व AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड कराई है, जो कि 1K OLED डिस्प्ले होने वाली है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आता है और इसके अंदर भी आपको 1600 नीट्स पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में होनर 90 स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया है। एक तो इस स्मार्टफोन अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है, दूसरा दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको 1K OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिससे दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी बढ़िया और अच्छे पिक्सल्स वगैरह नजर आने वाले हैं और इन दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के वेरियंट के बारे में, तो दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन को कंपनी ने मार्केट में 8GB और 12GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन भी आपको 8GB और 12GB रैम के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 128GB, 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट मिलते हैं। तो दोस्तों रैम के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको दो दो वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन दोस्तों स्टोरेज के मामले में नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन में आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको काफी बढ़िया कैमरा सेंसर मिलते हैं। अगर दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 50+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा के डिफरेंस के बारे में बात करें, तो दोस्तों कैमरा के मामले में होनर 90 स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलते हैं और इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी जूमिंग डिटेल के साथ आता है और इसके अंदर आपको दोस्तों सेल्फी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे आप 4K वीडियो को भी शूट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के अंदर भी आपको दोनों ही रियर कैमरा सेंसर 50 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा भी काफी बढ़िया मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए, तो दोस्तों कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन काफी बढ़िया हैं, इनके अंदर आपको काफी अच्छे कैमरा सेंसर मिलते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 8+Gen1 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। जबकि दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 7Gen1 का चिपसेट दिया है और यह स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 7Gen1 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया है। इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने ज्यादा बढ़िया और अच्छा पावरफुल प्रोसेसर प्रोवाइड कराया है, जिससे दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। हालांकि दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन के अंदर भी आपको अच्छा
चिपसेट देखने को मिलता है। यह चिपसेट भी आपको काफी बढ़िया BGMI और PUBG जैसी गेमों का एक्सपीरियंस देने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 45 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 4700mAh की बैटरी प्रोवाइड कराई है और इसके अंदर आपको 15 वाट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट भी देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने 66 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाली 5000mAh की पावरफुल बैटरी प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों बैटरी और फास्ट चार्जर के मामले में भी होनर 90 स्मार्टफोन ज्यादा बढ़िया है। इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी ने बैटरी भी बढ़िया प्रोवाइड कराई है और स्मार्टफोन अंदर आपको फास्ट चार्जर भी काफी बढ़िया मिलता है। हालांकि दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों अगर नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के प्रोसेसर को हटा दिया जाए तो दोस्तों बाकी फीचर्स के मामले में होनर 90 स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन से काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस के अंदर आपको काफी डिफरेंस मिलता है। अगर दोस्तों नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का 8GB रैम वाला शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 45,000 रुपए में मिलता है। जबकि दोस्तों होनर 90 स्मार्टफोन का शुरुआती वेरियंट आपको लगभग 38,000 रुपए में मिलता है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को अगर आप फर्स्ट सेल में बैंक ऑफर के साथ खरीदते हैं तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको लगभग 28,000 रुपए में ही मिल जाता है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।